दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय महादेव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौलतपुर चौक ऊना। अरे पम्मा वीरे, वोट की काउंटिंग के समय उन पर्चियों की भी गिनती की जाती है। अच्छा, हाँ आधा गल बना ला माटरा कानू साडना मजाक करी जांदा, वोटां दा अज है। ताया जी, जिनकी उम्र 85 साल से अधिक है और जो 40% से अधिक विकलांग है, उनका मतदान चुनाव आयोग द्वारा बैलेट पेपर के माध्यम से घर से ही करवाने का विकल्प दिया जाता है। बल्ला बल्ला मात्रा, आधा चुनाव आयोग है बहुत बढ़िया कीता, ओ बंगे ला दे क्रीम। चलो आ जाओ। की जो दशा है उसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए कि दशा कितनी बुरी थी। आप अपने परिवार में आपको उसमें ज़्यादा रखते थे तो अगर करता है तो पंचायत के लोग उसमें ला रहे हैं, प्रशासन के लोग उसमें ला रहे हैं। हमारा दशा मुख्य टीम भी है उसके लोग, ठीक है। ये शिक्षक हम जहाँ पर लगा रहे हैं, जहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दे रहे हैं। अगर कोई आपको लगता है कि जहाँ नशा करता है तो इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके बता सकते हैं, ताकि किसी की लाइफ बच जाए और किसी परिवार की आर्थिक जो स्थिति है वो बुरी ना हो या परिवार बुरी ना हो, तो प्लीज़ इसके बारे में। ये जो आपको हम दे रहे हैं, व्हाट्सएप दे रहे हैं, इसके ऊपर नशे के बारे में डिटेल से जानकारी दे रहे हैं। उनके लक्षण क्या है, जो बच्चा नशा करता है उसकी एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं, और उस बच्चे के ऊपर फिर उसके शरीर के ऊपर उसको कैसे प्रभाव पड़ता है, इसको जरूर पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएँ और शादी करवाएँ, ठीक है। चलो चलो आप साथ में चलो ना। तो ये पत्र आपको आपने पढ़ना, ठीक है। जो बच्चा नशा करता है उसके बारे में बताया कि उसकी कैसे कैसे लक्षण हो जाते हैं, उसकी एक्टिविटी कैसी हो जाती है और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। और ये इसके ऊपर एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है। अगर आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में कोई नशा करता है या नशा बेचता है तो उसकी जानकारी आप इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर दे सकते हैं। आपने ये भी नहीं घबराना कि आपका नाम कोई बताएगा, आपका नाम जो है बिल्कुल नहीं बताया जाएगा, किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो आप निर्भीक होकर इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके एरिया आया है त्योहार मतदान का, आओ सारे मतदान करें, जागते रहो देशवासियों, जागते रहो आओ सारे मतदान करें। मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूं। अच्छा, ताया जी वोट दिया है? ना ना पुत्रा, वोटा वाटा नहीं देनी। आज हमने नशा मुक्त अभियान के तहत हर घर दस्तक के अंतर्गत हमने पंचायत लाल सिंघी और कोटरा खुर्द में अभियान की हमने का गतिविधियों को आगे बढ़ाया है और घर घर जाके हमने दस्तक दी है, लोगों को अवेयर किया है कि अपने बच्चों को नशे से दूर कैसे रखना है। जो बच्चे युवा हमारे नशे की दलदल में फंस रहे हैं
उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, साथ में परिवार भी उजड़ रहे हैं, उसके बारे में जाके हमने घर घर जाके लोगों को जागरूक किया है। और उसके साथ साथ जो उनके पेरेंट्स हैं या उनके मोहल्ले वाले हैं या उनकी पंचायतें हैं, उनको भी जागरूक किया है कि आपकी पंचायत में या गली मोहल्ले में ऐसा कोई ड्रग पेडलर है या नशा कोई बेचता है, नशे का सौदागर है, और जहाँ कोई नशा करता है तो उसकी जानकारी जो हमने पंपलेट उनको दिए हैं उसके ऊपर जो हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर वो शेयर करें, ताकि हम इन बच्चों को इस नशे से बचा सकें। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बाजार के बीचों बीच स्थित महादेव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोगों की पहली पसंद बना हुआ है, जिसका कारण है स्कूल में बेहतर शैक्षणिक माहौल, अनुशासन एवं अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल की एमडी ममता शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक आर्ट्स, साइंस एवं कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि स्कूल में पढ़ाई हेतु नए स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स एवं बायोलॉजी, आईसीटी की लैब्स के साथ साथ पुस्तकालय उपलब्ध है, जबकि खेल गतिविधियों, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है और बच्चों की हर गतिविधि पर नजर रखने हेतु सीसीटीवी कैमरों का प्रबंध है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के अलावा चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में विद्यार्थी स्कूल का नाम चमका रहे हैं। प्रबंधक अनमोल शर्मा एवं स्वास्तिक शर्मा ने बताया कि प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी एवं यूकेजी के विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं।